आज सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग जिम्मी के साथ। जिम्मी देखिए आप सभी को गुड मॉर्निंग कर रहा है। आज मॉर्निंग हम लोग का अच्छा नहीं गया क्योंकि सुबह सो के उठे ना तो कॉल बेल बजा दुकान से घर का, तो कॉल बेल पर जो बजाने वाली थी ना वो उंगली रखी तो कंटिन्यू बजाते चली गई कॉल बेल, मतलब उंगली हटाई ही नहीं कॉल बेल पे, तो इतना ज़्यादा शोर जैसा हो गया। तो जिम्मी के डैडी ने तुरंत निकल के रेलिंग पर गए उसको देखने के लिए कि कौन बजा रहा है कॉल बेल। तब तक उनके पैर में आकर के 3-4 बिरनी काट लिया, वहीं पे था छाता गिरा हुआ बिरनी का था तो वो बिरनी पूरा पैर में काट लिया 3-4 जगह। तब मॉर्निंग तो हम लोग को बहुत बेकार गया। उसके बाद हमने जिम्मी पापा को लेके, जिम्मी या जिम्मी के पापा चले गए बाहर। उसके बाद हम रोटी बनाए फटाफट, रोटी बना करके काके उठे थे 6:30 बजे। उसके बाद हमने रात में ना भतुआ कद्दूकस करके रख लिया था, आप लोग जानते होंगे भतुआ बड़ी होता है जिसका भतुआ का बड़ी पर आता है, तो हमने रात में कद्दूकस करके रख लिया था उसको, उड़द का दाल फूलने के लिए रख दिए थे। तो सुबह सुबह हम उसको मिक्सी में, रोटी बनाने के बाद मिक्सी में हम सबको पीसे हैं। मेरे पास 1 किलो उड़द का दाल था, तो 1 किलो उड़द का दाल 1 बड़ा सा भतुआ था, तो सब उड़द का दाल पीस के हमने इकट्ठा कर लिया है और मिक्सी में पीसे हैं सबको, तो तुरंत हो गया, ज़्यादा देर नहीं लगा। उसके बाद मेरा भतुआ रात का कस किया हुआ था तो अभी सुबह ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं जाएगा मेरा। और हम लोग को ना भतुआ बड़ी का सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है, जब जब बरसात के टाइम आएगा और हरा सब्ज़ी कम मिलता है उस समय भतुआ बड़ी बनाना, चाहे ठंडा के समय में बैंगन बहुत ज़्यादा मिलता है तो बैंगन डाल के आप भतुआ बड़ी बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो हम बचपन से खाते हैं इसलिए हमें अच्छा लगता है खाने में। तो हमने सारा भतुआ को भी निकालिया, सब लेके चलिए छत पे चलते हैं। छत पे आए तो इसको ना 2 भाग में डिवाइड करेंगे, कहा कि थोड़ा सा आधा हम भतुआ का बनाएंगे और आधा जो बोलते उड़द दाल का बड़ी बोलते हैं वो बनाएंगे, बड़ी जो प्लेन बड़ी बनता है वो बनाएंगे। तो हम दोनों को आधा आधा डिवाइड कर करके उसको थोड़ी देर तक फेंट लिए हैं, और फेंटने के बाद जिससे कि थोड़ा फ्लफी हो जाए। और हम आज से 2 साल या 3 साल पहले बनाए थे उसको, हम अच्छे से पैक करके रखे हुए थे तो वही अभी तक हम लोग को चल रहा था। तो हम दोनों अलग अलग करके भतुआ मिला दिए। भतुआ मिलाने के बाद थोड़ी देर अच्छे से मैसना रहता है, अच्छे से मैश करके, और जानते हैं छत पे धूप इतना टाइट है कि मतलब छत पे रहना इतना मुश्किल लग रहा है कि आपको बहुत मुश्किल लग रहा है छत पे रहना, इतना धूप टाइट है, देह जल रहा है, पूरा पीठ उठ सब जल रहा है। हमने भतुआ बड़ी फटाफट बनाया, आप लोग देख सकते हैं बड़ी, ये सब जो होता है ना ये बड़ी उड़ी बनाने का, पहले जब जब हम लोग उधर शहर तरफ पटना तरफ रहते थे तो ये सब बनाने मतलब कभी बचपन से बनाए भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको बचपन से आता है बनाने या बनाते। हाँ ये ज़रूर है कि हमने अपनी माँ को ज़रूर देखा बनाते हुए, माँ को भाभी को, तो हमको बनाने ये सब नहीं आता था। लेकिन कहता है ना कि जब अपने सर पड़ता है ना तो आदमी को सब कुछ आ जाता है, तो हमारे साथ भी वही है, जो काम भी नहीं आता था वो सब काम भी आने लगा। हम भतुआ बड़ी या बड़ी पारना या चिप्स बनाना ये सब कुछ हमने खुद से सीखा है, हमने मम्मी के यहाँ से सीख के नहीं आया और ना मेरी मम्मी कभी सिखाई, क्योंकि हम लोग ना उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। तो मेरा भतुआ बड़ी का काम ख़त्म हुआ फटाफट, अब घर जाते हैं क्योंकि अब बज गया है 8 और इतना जल्दी जल्दी नहा करके रेडी होना है क्योंकि दुकान जाना जल्दी ज़रूरी है। फिर हम दोनों ने, जिम्मी के पापा मेरे दुकान पर बैठे थे उनको फटाफट बुलाए, वो भी आए हमारे साथ बैठ के चाय पिए। चाय पीने के बाद हम लोग, तब तक मैं एक कॉल बेल बजा उसको जाके अटेंड किए। अब हम लोग ना जल्दी जल्दी निकलते हैं, वीडियो को आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए।